सुप्रभात बच्चों, तो हिंदी के इस तासिका में मेरे चौथी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस तासिका में हम हिंदी ग्रामर का एक नया लेसन लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, हमारे लेसन का नाम है संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा का अर्थ मीन्स नाम वाले शब्द। संज्ञा मीन्स क्या? किसी का भी नाम, फिर किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम, इसको हम क्या करते हैं? संज्ञा करते हैं, ठीक है। और उस नाम से हम उसको क्या करते हैं? पहचानते हैं, ठीक है। तो हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं? हर एक वस्तु को, हर एक व्यक्ति को एक नाम देते हैं। सिर्फ हिंदी में उसी नाम को क्या बोला जाता है? संज्ञा, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। सभी ने इस चित्र को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो बच्चों, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यस। तो सबसे पहले पंक्ति में आपको कुछ व्यक्तियों के नाम के चित्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरे पंक्ति में कुछ प्राणियों के नाम के चित्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरे पंक्ति में स्थान के नाम के चित्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और चौथे इसमें कुछ किसके चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको? समूह के चित्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पे जो पहली पंक्ति है उसमें जो नाम है वो है श्याम, सीमा, मोहर और रीता, ठीक है। तो बच्चों, ये हमको क्या दर्शा रहे हैं? यस, किसी व्यक्ति का नाम दर्शा रहे हैं, है ना। यस, तो ऐसे हर एक व्यक्ति के नाम कैसे रहते? अलग अलग रहते। वैसे ही दूसरी पंक्ति में कुछ प्राणियों के नाम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। प्राणियों के चित्र दिखाई दे रहे हैं, कौन से? बिल्ली, हिरण, शेर और हाथी, है ना। तो बच्चों, ऐसे हर एक प्राणियों के नाम कैसे रहते? अलग अलग रहते, ठीक है। उसके बाद में तीसरी पंक्ति में कुछ स्थानों के नाम दिखाई दे रहे हैं, फिर कौन से स्थान है? जैसे शहर, गांव, विद्यालय और घर, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग स्थान ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में चौथी पंक्ति में कुछ समूह के चित्र दिखाई दे रहे हैं। समूह मीन्स ग्रुप, जैसे सेना, कक्षा, भीड़ और सभा। तो बच्चों, ये जो चित्र है, ठीक है, इस चित्र में पहले पंक्ति में हमको व्यक्तियों के नाम ध्यान में आ रहे हैं, दूसरे पंक्तियों में प्राणियों के नाम, तीसरे इसमें स्थानों के नाम और चौथे पंक्ति में कुछ समूह के नाम। तो बच्चों, ये सभी क्या दर्शन है? हमको संज्ञा दर्शन है, ठीक है, किसी का तो भी नाम। तो इस पर से संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से की गई। अब कैसी की गई है? नाउ सी, यहाँ पे मैंने संज्ञा की परिभाषा लिखी है। नाउ वी रीड, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जो चित्र बताया इसमें किसी व्यक्ति के नाम दिए, ठीक है, पहले पंक्ति में। दूसरे पंक्ति में दिया था वस्तुओं के नाम। अब सॉरी, वस्तु मीन्स क्या? कि हर एक वस्तु के नाम किस रहते बच्चों? अलग अलग रहते, ठीक है। जैसे कुर्सी है, टेबल है, दरवाजा है, खिड़की है ना। यस, हमारे घर में या हमारे आजू बाजू में हमको अनेक वस्तुएं दिखती और उन हर एक वस्तुओं का नाम किस रहता है? अलग अलग रहता है। वैसे प्राणियों के नाम, ठीक है, स्थानों के नाम, स्थान में जगह, प्लेस, कोई शहर, गांव, अस्पताल, घर, स्कूल, है ना, पाठशाला, ये क्या दर्शाते हैं? हमको स्थान दर्शाते हैं। और उसके अंदर भाव, तो बच्चों भाव, भाव मीन्स क्या? भावना, जैसा मिठास है ना, सुंदरता है ना, गर्मी है, सुख है, दुख है, मोटापा है ना, ये सभी क्या दर्शाते हैं? आपको भाव दर्शाते। तो इसी भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो शॉर्ट में हम संज्ञा का अर्थ क्या बताएंगे? कि किसी का तो भी नाम, उसी को क्या कहते? संज्ञा कहते। अंडरस्टूड? यस। अब उसके अगर हम चलते हैं कि संज्ञा के भेद, तो बच्चों संज्ञा के कुल मिला के पांच भेद होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इसके पहले आपने तीसरी कक्षा में संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद ये पढ़े, पर संज्ञा के सिर्फ तीन ही भेदों की पढ़ाई आपने तीसरी कक्षा में की है, ठीक है। इस कक्षा में हमको और आगे जाना है। मैं संज्ञा के कुल मिला के कितने भेद होते हैं? पांच, ठीक है। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, नंबर थर्ड भाववाचक संज्ञा, नंबर फाइव द्रव्यवाचक संज्ञा एंड नंबर सिक्स समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स क्या? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का नाम दर्शाया जाता है,
है, उसे क्या कहेंगे आप? व्यक्तिवाचक शब्द। तो उसमें विशेष ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष व्यक्ति की जानकारी दी जाती है, विशेष स्थान दर्शाया जाता है, विशेष प्राणी की जानकारी हमको उसमें मिलती है, उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक शब्द। ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं जातिवाचक शब्द। जाति मीन्स पूरी जाति का बोध कराता है। ठीक है, जैसा लड़का है ना, लड़का ये पूरी लड़कों की जाति का बोध कराता है। ठीक है, उसके अंदर प्राणी, ये प्राणी पूरी जातियों का बोध कराता है। एक विशेष प्राणी का नाम लिया जा रहा है कि नो, एक विशेष लड़की का नाम लिया जा रहा है कि नो, एक विशेष लड़की या विशेष स्थान का नाम लिया जा रहा है कि नो। ठीक है, तो जो पूरी जाति का हमको बोध कराता है उसी को क्या कहते हैं? यस, जातिवाचक शब्द। अंडरस्टूड। उसके अंदर हम चलते हैं भाववाचक शब्द। तो इसके पहले भी आपको बताया था कि भाववाचक शब्द मींस क्या, कि किसी प्राणी वस्तु या स्थान के गुण दोष अवस्था अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? भाववाचक शब्द। ठीक है, मीन्स किसी की गुण क्वालिटी बताई जाती है। ठीक है, जैसे अच्छाई है, मिठास है ना, उसके बाद में सुंदरता है, फूलों की सुंदरता। ठीक है, उसके अंदर दोष कुरूपता है ना, यस। उसके अंदर क्या बताया गया है? अवस्था। ठीक है, जैसे अवस्था मीन्स क्या, जैसे बचपन एक अवस्था बताई जाती है ना, यस, बुढ़ापा एक अवस्था है। उसके अंदर भाव, भाव मीन्स क्या, यही मिठास है, गर्मी है ना, तो इसका जो दर्शाया जाता है, ऐसे भाव का उल्लेख जब किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अंडरस्टूड, ये आपको पता है बेटा। अब इसके बाद हम चलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य जो भी लिक्विड सब्सटेंस जो रहते हैं, ठीक है, जैसे दूध है, रॉकेल है, पानी है ना, ये लिक्विड। उसके अंदर धातु, धातु का अर्थ क्या होता है? मेटल है ना, जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा है ना, तो ऐसे चीजों का जब उल्लेख किया जाता है उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन दी है, जिस संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। अंडरस्टूड, यस। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा मीन्स क्या, जिसमें द्रव्य ठीक है या धातु का बोध किया जाता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। अंडरस्टूड। उसके अंदर हम चलते आगे बढ़ते समूहवाचक संज्ञा। तो अभी इसके पहले मैंने आपको जो पिक्चर बताया बच्चों, उसमें समूह के पिक्चर हमने देखे, जैसे सेना है ना, पुलिस की सेना है ना, सैनिक। ठीक है, उसके अंदर हम क्लास में जब बैठते हैं, ठीक है, तो विद्यार्थियों की कक्षा है ना, अंगूरों का गुच्छा, फूलों का गुलदस्ता, अंगूरों का गुच्छा है ना, चाबियों का गुच्छा है ना, वो सब समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे समूह के शब्द का उल्लेख जिस संज्ञा में होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूह मीन्स ग्रुप, इतना ध्यान में रखना, जिसमें समूह का उल्लेख किया गया है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अंडरस्टूड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स विशेष व्यक्तियों का नाम, प्राणी, स्थान, वस्तु का नाम। जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराता है ना, यस। उसके अंदर भाववाचक संज्ञा भावनाओं का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, जैसे सुख है, दुख है, गर्मी है, मिठास है, बुढ़ापा है, बचपन है, यस। उसके अंदर द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य या धातु का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा, जिसमें पूरे समूह की जानकारी हमको मिलती है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। अंडरस्टूड। तो बच्चों अभी इतनी बात आपको ध्यान में आ गई कि इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं सब आपको आपके मैं जब नोट सेंड करूंगी तब आपको लिंक भेजूंगी विद एग्जांपल, तब आपको और अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कक्षा चौथी में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना है। ठीक है, तो कौन सी जानकारी? तो हमको करना है भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा शब्द रहते हैं, ठीक है, उसकी रचना अलग अलग प्रकार से की जाती है, उसको बनाया जाता है भाववाचक संज्ञा शब्दों को। ठीक है, तो कैसे बनाया जाता है? चार प्रकार से बनाया जाता है। एक जातिवाचक संज्ञा से, नंबर दो सर्वनाम से, नंबर तीन विशेषण से, और नंबर फोर क्रिया शब्द से।
बनाते हैं नाउ सी, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के रूप में दो दो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिख के दिखाए, जैसे दोस्त ये जातिवाचक संज्ञा है ना, तो भाववाचक संज्ञा उसकी क्या बनेगी, दोस्ती। ठीक है, शत्रु जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगी, शत्रुता। इसमें और दिए हैं, मैं अभी यहाँ पे पढ़ती हूँ। ठीक है, जैसे मानव मानवता, ठग ठगी, बच्चा बचपन, वीर वीरता, सुंदर सुंदरता, नीच नीचता, राष्ट्र राष्ट्रीयता, तरुण तरुणाई, बूढ़ा बुढ़ापा, दास दासता, चोर चोरी, लड़का लड़कपन, कुरूप कुरूपता, कठोर कठोरता। अंडरस्टूड? उसके अंदर हम चलते हैं सर्वनाम से। अब सर्वनाम शब्द आपको पता है, नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द, जैसे अपना तुम्हारा आपका है ना, हमारा है ना, यस ऐसे। तो जैसे अपना है ये सर्वनाम है, तो उसका भाववाचक क्या बनेगी, अपनत्व। आप आपा, सर्व सर्वस्व, मम ममता, अहम अहंकार। अंडरस्टूड? यस। उसके बाद हम चलते हैं विशेषण। अब विशेषण भी आपको पता है कि जो विशेष किसी के बारे में विशेष जानकारी देते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, शब्द के बारे में विशेष जानकारी देने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, तो ऐसे विशेषण शब्द है जैसे अच्छा है ना, यस। उसके अंदर काला गोरा, ऊंचा नीचा है ना, यस, इस प्रकार से। तो यहाँ पे मीठा मिठास, अच्छा अच्छाई। उसके अंदर प्यासा प्यास, लघु लघुता, काला कालापन, एक एकता, सफल सफलता, सरल सरलता, गरम गर्मी। ठीक है, विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, उसके अंदर चलते हैं क्रिया। अब क्रिया शब्द मीन्स क्या, तो क्रिया मीन्स एक्शन। ठीक है, जो भी काम हम करते हैं, उठना बैठना दौड़ना भागना पढ़ना है ना, खेलना ऐसे ना, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिया शब्द। तो ऐसे क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, नाउ सी। पहला है खेलना, तो खेलना की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, खेल। चढ़ना चढ़ाई, वैसे ही धोना धुलाई। लिखना लिखावट, सोचना सोच, चलना चाल, पढ़ना पढ़ाई, सजाना सजावट, बनाना बनावट, मिलना मेल। अंडरस्टूड? तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे हमने भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से किस प्रकार से होती है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपको संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी इस कक्षा में हासिल करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना, इसकी वर्कशीट मैं आपको सेंड करूँगी, ताकि सब वर्ड्स आपको अच्छे तरीके से लर्न हो जाए, याद हो जाए। ये जो टॉपिक है भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना, ये थोड़ा सा आपको इस साल हार्ड रहेगा, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपको सब भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना ये कर दिए। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पे संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, संज्ञा इस किसी वस्तु व्यक्ति प्राणी या स्थान को या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। और संज्ञा के कुल मिला के पाँच भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इतने पांच प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, और उसके लिए भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना हमने चार प्रकार से किए, एक जातिवाचक संज्ञा शब्द से, दूसरा सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। अंडरस्टूड? तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे हमारा एक संज्ञा का लेसन समाप्त होता है। ठीक है, तो बच्चों जब मैं इसके नोट्स सेंड करूँगी तो आपको सब डेफिनेशंस और भाववाचक संज्ञा शब्द की रचना इसकी वर्कशीट मैं आपको उसके साथ में सेंड करूँगी, तो उसको अच्छे एडिटिंग में आपने अपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, थैंक यू।